इस गांव में कई किसान बसते हैं, लेकिन इन दोनों की कहानी काफी दिलचस्प है। एक है गोपाल और दूसरा है किशन। दोनों भाई जैसे दोस्त थे। दोनों साथ साथ में खेलते थे, साथ में स्कूल जाते थे और साथ में ही बड़े भी हुए। किशन और गोपाल के बीच आर्थिक फर्क काफी था, लेकिन किशन ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया और उनकी दोस्ती में कभी फर्क ना आ पाया। लेकिन खेती के अलग तरीकों ने दोनों के बीच खड़ी कर दी एक लंबी सी दीवार, और इसके बाद क्या हुआ ये आप खुद ही देख लीजिए। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने बाप दादा के जमाने की खेती करने के तरीके छोड़ दूं और तुम्हारे तरीके अपनाऊं? हाँ भाई हाँ, याद करो हम दोनों एक ही रंग के बनियान पहनते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक साथ ही बड़े हुए। तुम मेरी तरह क्यों नहीं छोड़ सकते तुम पुराने खेती के तरीके? मेरे उसूल, मेरे आदर्श मुझे इसकी इजाजत नहीं देते। उफ, तुम्हारे के उसूल या आदर्श किस काम के हैं ये? गोपाल, इन्हीं पुराने तरीकों से, उसूल और आदर्शों से मैं इतनी दौलत कमा चुका हूँ कि आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास। और उस दिन के बाद एक साल तक किशन ने अपने पुराने तरीकों से खेती की, और दूसरी ओर गोपाल ने थामा नए उत्पादों का साथ। और आज एक साल बाद दोनों फिर उसी मोड़ पर आ चुके हैं। याद करो भाई, आज से एक साल पहले तुमने मुझसे क्या कहा था? आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? और याद है मैंने क्या कहा था? मेरे पास डेलमा है। और आज देखिए भैया, डेलमा का हाथ थाम कर मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं। एक साल में मैं आपसे भी आगे जा चुका हूं, तरक्की और धन प्राप्ति दोनों में। ये कैसे हुआ? आखिर डेलमा में ऐसी क्या बात है गोपाल? भाई, डेलमा विश्व स्तरीय फफूंद नाशक है जो मल्टी साइट एक्शन और रेनकोट टेक्नोलॉजी से काम करता है। यार गोपाल, ये क्या होता है? भाई, इस टेक्नोलॉजी के चलते डेलमा फफूंद की कोशिकाओं के 6 अलग अलग संरचनाओं पर वार करता है, जिससे फफूंद न केवल पूरी तरह से मर जाता है बल्कि फसलों में रोगों की प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। और तो और, रेनकोट टेक्नोलॉजी की वजह से वर्षा दृढ़ता में सुधार आता है, जिससे डेलमा के सक्रिय तत्व बारिश में बहुत ही कम धुलते हैं। ये इस्तेमाल करने में भी बहुत आसान है और इससे पैसों की बचत तो होती ही है बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। यार गोपाल, मुझे आज समझ आया कि पिछले एक साल में तुम्हारे खेत में फफूंद ना के बराबर क्यों था। सही कहा किशन, इसकी वजह से मुझे पिछले एक साल में बहुत फायदा हुआ है। किशन, डेलमा का उपयोग करने से फसल का बुढ़ापा विलंबित हो जाता है, जिससे पत्तों का हरा क्षेत्र बढ़ता है, जिससे उनमें प्रकाश संश्लेषण बेहतरीन तरह से हो पाता है और अंत में उपज भी अधिक से अधिक होता है। इतना ही नहीं, डेलमा की वजह से पत्तों का स्टोमाटा नियंत्रण बेहतर हो जाता है, जिससे फसल पर तनाव कम पड़ता है। और तो और, डेलमा फसलों में नाइट्रोजन इस्तेमाल करने तथा उसे प्रोटीन में बदलने की बेहतर क्षमता देता है, जिससे ऊंची और बेहतर पैदावार और गुणवत्ता मिलती है। और भाई, अगर आपको ये सारे फायदे हासिल करने हो तो डेलमा का उपयोग कैसे करते हैं ये भी जान लेना जरूरी है। डेलमा का छिड़काव रोगों के शुरुआत होने पर कर लें और प्रति एकड़ 600 ग्राम डेलमा 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़क दें। जी हाँ, सिर्फ 600 ग्राम। गोपाल, आज समझ में आया कि साधारण फफूंद नाशक और पुराने तरीकों से ना किसी का भला हुआ है ना कभी होगा। भाई, एक बात याद रखना, डेलमा दे फसलों को बीमारियों से मुक्ति, हरी भरी फसल, किसान को मिले संतुष्टि। दोस्तों, इस तरह दोनों भाइयों के बीच टूटी दीवार और डेलमा ने भर दिया दोनों के बीच ढेर सारा प्यार। अब आप भी जाइए, डेलमा ले आइए। स्वाल का डेलमा।